गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु टिप्स। कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर के बाहर होंगे और बारिश का मौसम जो है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ टी शर्ट्स के रिव्यू। जो जितने भी टी शर्ट्स हैं मैंने सभी बाय किए हैं मीशो से, क्योंकि मीशो में इस टाइम पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेरे फर्स्ट टी शर्ट्स की, जो एक हुडी है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ ब्लैक एंड ग्रे कलर की ये हुडी है, आप देख सकते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ इसके मैं फैब्रिक की, तो इसकी जो फैब्रिक है वो है कॉटन ब्लेंड है ये, और मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये कुछ फ्रंट का है और ये इसके बैक का है, ठीक है। तो जिसको हुडी पहनना पसंद है इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। केवल 199 पे ये हुडी आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इसके स्लीव्स की, तो इसकी स्लीव्स लॉन्ग है और इसकी मैं आपको सिलाई दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरलॉक किया गया है, आप देख सकते हैं। और साथ में ऊपर भी इसकी सिलाई अच्छी तरीके से की गई है, अच्छे तरीके से इंटरलॉक किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया इसकी जो प्राइस है 199 पे कुछ भी नहीं है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी थिन कपड़ा नहीं है, एकदम मोटा कपड़ा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसको मैंने एक्चुअली, हाँ, आज मैं जो भी टी शर्ट्स आपको दिखाऊंगी ना वो सभी को मैंने पहन चुकी हूँ, उनको वॉश कर चुकी हूँ और किसी भी टी शर्ट्स के कलर बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। तो ये हुडी है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये टी शर्ट्स या फिर हुडी जो आपको पसंद आई हो, तो इसका जो कोड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मीशो में लिंक नहीं होते हैं, कोड होते हैं, तो जिसके कोड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है, बिना सोचे समझे आप जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो श्रग है, शॉर्ट श्रग आप इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको टी शर्ट्स भी बोल सकते हैं, तो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये फुल टी शर्ट है, ये फिर आप इसको शॉर्ट श्रग भी बोल सकते हैं। इसकी जो इमेज होगी मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो हाँ, फर्स्ट जो टी शर्ट है उसकी भी जो इमेज होगी मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और ये पूरा जिप है फ्रंट में, इसमें जिप दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा ओपन करके, ये फुल ओपन नहीं होता है, यहाँ नीचे ये बस यहाँ पे इसको लॉक किया गया है, तो इतना ही ये ओपन होता है, इससे नीचे ये ओपन नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो स्लीव्स है वो पूरी फुल स्लीव है, आप देख सकते हैं। अगर बात करूँ मैं इसके फैब्रिक की, तो जिसका जो फैब्रिक है वो है पोली कॉटन, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी मैं सिलाई दिखा देती हूँ आपको, सिलाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। इसका जो प्राइस है ये कुछ आई थिंक कुछ 491 है, और जो भी इसकी राइट प्राइस होगी मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा। इसका जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी मैंने वॉश किया है, और वॉश करने के बाद इसका भी जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं गया है, ठीक है गाइस। तो अगर आप इसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। बात करूँ मैं इसकी चैन की, तो चैन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं। ऐसा कोई सस्ता वाला नहीं लगा दिया गया कि जिसको आप एक दो बार ऊपर नीचे करेंगे तो ये टूट जाएगी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है चैन की, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो बिल्कुल भी ले सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और सेम यही मैंने लिया है रेड कलर पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इसका पैटर्न है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसको तो आप गर्मी में यूज़ कर ही सकते हैं, अगर आप ठंडी के टाइम पे भी कहीं जा रहे हैं तो इसका कपड़ा जो है ना काफ़ी मोटा है, तो आप इसको ठंडी के टाइम पे भी वेयर कर सकते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेम ही पैटर्न है, कोई भी डिफरेंस नहीं था। केवल कलर मुझे दोनों का समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली मुझे, कि मैं रेड लूँ या फिर ब्लैक लूँ, इसलिए मैंने दोनों कलर ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों के जो कोड होंगे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइस, तीसरा जो टी शर्ट है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये है कुछ वाइट कलर का, आप देख सकते हैं, नीचे से पूरा प्लेन है ये, और ऊपर से ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। और इसका जो स्लीव्स की डिज़ाइन है वो कुछ रफल टाइप में है। अगर बात करूँ मैं इसकी फैब्रिक की, तो इसका जो फैब्रिक है वो है
जॉर्जेट है, आप देख सकते हैं सिलाई इसकी कुछ इस तरीके से की गई है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इस टी शर्ट्स में प्रॉब्लम लगी क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि अस्तर तो दिया गया है इसमें अंदर से, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो अगर आप इसको वेयर कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको स्लीव्स पहनना ही पहनना पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। साइज़ जो है वो तीनों टी शर्ट्स की एल है, और यहाँ पे सामने एक बटन दी गई है, और यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा सा ओपन दिया गया है। जो गले की डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बाकी पूरा गोल गला है, ठीक है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस आई थिंक इसकी कुछ 226 या 225 ऐसा कुछ इसकी प्राइस है। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा क्योंकि मतलब एक्चुअली इसका जो कपड़ा थोड़ा सा मुझे चीप जैसा लगा। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसका भी जो कोड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इमेज जो होगा साइड में लगा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो आप मेरे जो और भी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, जो भी मैंने मीशो के रिव्यू किए हैं या फिर अमेज़ॉन के रिव्यू किए हैं, उनका उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मधु टिप्स। आज के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।